दोस्तों पिछले एपिसोड में आपने देखा कि युंटक गॉब्लिन के अंदर से तलवार निकालने की कोशिश करती है, लेकिन युंटक तलवार के हैंडल पकड़ ही नहीं पा रही थी। तब युंटक को लगता है कि शायद ये परियों की कहानी में जो श्राप राजकुमार को मिला था ये बिल्कुल वही श्राप है, और युंटक श्राप खत्म करने के लिए गॉब्लिन को किस कर लेती है। गॉब्लिन कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, जिस पर युंटक कहते कि वो तो सिर्फ उसकी मदद करना चाह रही थी। इसके बाद युंटक फिर से तलवार निकालने के लिए गॉब्लिन की तरफ बढ़ती है, लेकिन गॉब्लिन मना कर देता है। युंटक कहते कि अब तलवार निकालने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है, उन्हें सच्चा प्यार करना होगा। लेकिन गॉब्लिन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है और वो वहाँ से जाने लगता है। युंटक गॉब्लिन से कहती है कि तुम मुझे अब घर से निकाल दोगे क्योंकि मैं तुम्हारी तलवार नहीं निकाल पाई, लेकिन गॉब्लिन कहते कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। इसके बाद दोनों घर वापस चले जाते हैं। इधर घर में ग्रीन रीपर डियोक्वा को बताता है कि गॉब्लिन अब वापस लौटकर नहीं आने वाला है और उसे मुक्ति मिल गई है। यह सुनकर डियोक्वा रोने लगता है, लेकिन तभी वहाँ दरवाजे से गॉब्लिन आ जाता है और ग्रीन रीपर हैरान होकर कहता है कि ये कैसे हो सकता है। डियोक्वा रोते रोते गॉब्लिन के पास आता है और गॉब्लिन उसे गले से लगा लेता है। गॉब्लिन डियोक्वा से क्रेडिट कार्ड वापस मांगता है और डियोक्वा को ना चाहते हुए भी क्रेडिट कार्ड देना पड़ता है। इसके बाद गॉब्लिन ग्रीन रीपर से प्रॉपर्टी के पेपर्स और युंटक से परफ्यूम, पैसे और पर्स वापस मांगता है। युंटक गॉब्लिन से कहती है कि उसने तो कहा था कि वो उसे घर से नहीं निकालेगा, जिस पर गॉब्लिन कहता है कि वो उसे घर से नहीं निकाल रहा है, बस वो सिर्फ उससे वो परफ्यूम, पैसे और पर्स वापस मांग रहा है। युंटक को लगने लगता है कि गॉब्लिन उससे सारी चीजें वापस ले लेगा और वो इससे बचने के लिए गॉब्लिन को आई लव यू कह देती है। यह देखकर ग्रीन रीपर भी गॉब्लिन को आई लव यू कह देता है, जिस पर गॉब्लिन उसे चिल्लाकर चुप रहने को कहता है। अब उसी रात गॉब्लिन और डियोक्वा के ग्रैंडपा बातें करते रहते हैं। गॉब्लिन पूछता है कि उन्होंने वो पेंटिंग जला दिया क्या जो उसने उनको दिया था, जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि पेंटिंग सही सलामत है और सुबह में वो पेंटिंग उसे वापस कर देंगे। इसके बाद ग्रैंडपा गॉब्लिन को बोलते हैं कि मरने के बारे में सोचने से अच्छा है कि वो जीने के बारे में सोचे, लोग उसके चमत्कार को महसूस करते रहें और पूरी जिंदगी उससे धन्यवाद देते रहें। इसके बाद गॉब्लिन युंटक के बारे में सोचने लगता है कि फ्यूचर में भी युंटक अभी ही की तरह खुश दिखेगी, लेकिन उस समय वो वहाँ नहीं होगा। गॉब्लिन सोच रहा था कि युंटक उस तलवार की हैंडल क्यों नहीं पकड़ पा रही थी, क्या फ्यूचर बदल चुका है या युंटक बदल चुकी है। वो कहता कि चाहे जो भी हो वापस लौटकर अच्छा लग रहा है। इधर ग्रीन रीपर युंटक से पूरी बात को अच्छे से बताने को कहता है कि उस समय क्या हुआ था। युंटक बताती है कि उस तलवार को देख तो पा रही थी, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वो उस तलवार को पकड़ नहीं पा रही थी। ग्रीन रीपर कहता है कि उसे लगा था कि उन दोनों में से कोई एक तो वापस नहीं आएगा, जिस पर युंटक कहती है कि उसे भी यही लगा था कि गॉब्लिन उसे वहीं छोड़ देगा क्योंकि वो तलवार नहीं निकाल पाई, लेकिन गॉब्लिन ने उसे अपने साथ वापस आने दिया। यह सुनकर ग्रीन रीपर को समझ आ जाता है कि युंटक को अभी भी सच्चाई के बारे में पता नहीं है कि क्या होगा अगर युंटक तलवार को निकालेगी। अब अगली सुबह गॉब्लिन, ग्रीन रीपर और युंटक ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं कि तभी गॉब्लिन कहता है कि घर में सदस्य बढ़ जाने की वजह से खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है और उसे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि वो प्लेट्स को कैसे धोएगा, जिस पर युंटक कहते कि वो सारे प्लेट्स धो देगी। इसके बाद युंटक बर्तन ही धो रही होती है कि तभी गॉब्लिन पीछे से आकर कहता है कि धोने के लिए कितने सारे कपड़े हो गए हैं और उसके पास अब इतना बजट भी नहीं है कि रोज रोज वो ड्राई क्लीनर के पास जाए। युंटक कहती कि एक बार वो बर्तन धो लेती है फिर वो कपड़े भी धो देगी। फिर हम देखते कि युंटक कपड़े धोकर उन्हें सुखाने के लिए रख रही होती है कि तभी गॉब्लिन फिर से युंटक को घर की सफाई का काम देने वाला रहता है, जिस पर युंटक भीगे हुए कपड़े को गॉब्लिन पर झाड़ देती है। गॉब्लिन कहता है कि मुझे पता है तुम ये जानबूझकर कर रही हो। युंटक कहती है कि तुम एकदम श्योर हो गए हो ना कि मैं गॉब्लिन की दुल्हन नहीं हूँ, पर तुम इतनी जल्दी कोई भी डिसीजन नहीं लो वरना बाद में तुम पछताओगे। वो कहती है कि तुम मुझसे इतना काम क्यों करवा रहे हो। गॉब्लिन कहता है कि वो किसी और बात के लिए। युंटक बोलती है अगर तुम मुझे अपनी दुल्हन कहकर नहीं बुलाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाती हूँ, लेकिन गॉब्लिन मना कर देता है। इसके बाद युंटक ग्रीन रीपर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। वो कहते हैं कि तलवार ना निकालने की वजह से गॉब्लिन उससे गुस्सा है और आज से गॉब्लिन उसका दुश्मन है। गॉब्लिन कहता है कि तुम्हारी पीठ के निशान से भी कुछ मजबूत चाहिए तुम्हें, जैसे कि सच्चा प्यार, तभी बात बनेगी। जिस पर युंटक कहते हैं कि उसने सारी चीजें कोशिश करके देख ली है। इतने में ही वहाँ पर गॉब्लिन आ जाता है और वो शर्माते हुए युंटक को कहता है कि तुम किस वाली बात किसी को ऐसे कैसे बता सकती हो। युंटक कहते कि उसने कुछ नहीं बताया और गॉब्लिन ने ही अभी किसके बारे में बताया। इधर ग्रीन रीपर उन दोनों की बातें सुन रहा था और वो उदास होकर कहता कि उन दोनों ने किस किया और एक वो है जो कि सनी को कॉल भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास बिजनेस कार्ड नहीं है।
इसके बाद रात को ग्रीम रीपर गॉब्लिन के पास जाता है और वो कहता है कि युनटक को घर से बाहर निकाल देना चाहिए क्योंकि वो तलवार को बाहर नहीं निकाल पाई और इसलिए वो गॉब्लिन की ब्राइड नहीं है। लेकिन गॉब्लिन कहता है कि उसने वादा किया था कि वो उसे घर से कभी नहीं निकालेगा। ग्रीम रीपर कहता है कि सच बताओ, तुम बहुत खुश हो ना कि युनटक तलवार नहीं निकाल पाई और तुम अब उसके साथ रह सकोगे। गॉब्लिन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसने 900 साल इसी पल के लिए इंतजार किया था और वो बस अपना वादा निभाना चाहता है। यह सुनकर ग्रीम रीपर गुस्से में वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में हम युनटक को देखते हैं जो कि हाई स्कूल में एडमिशन के लिए एंट्रेंस का एग्जाम दे रही थी। एग्जाम देकर जब वो गेट से बाहर निकलती है तो वो देखती कि सारे स्टूडेंट्स को लेने उनके पेरेंट्स आए हुए थे और युनटक को अपनी मॉम की याद आने लगती है। इसके बाद युनटक घर वापस आती है और वो देखते कि गॉब्लिन, ग्रीम रीपर और डियोक्वा उसके लिए केक लाए हुए थे। युनटक बहुत ही खुश हो जाती है और उसके आंख में आंसू आ जाते हैं। वो विश मांगती है कि वो गॉब्लिन के साथ मूवी देखने जाए और गॉब्लिन उसकी विश पूरी भी कर देता है। फिर दोनों मूवी देखने चले जाते हैं। इधर ग्रीम रीपर डियोक्वा से पूछता है कि उसे उसका बिजनेस कार्ड कहां से मिला, जिस पर डियोक्वा कहता है कि उसके कंपनी ने उसे ये दिया है। ग्रीम रीपर कहता है कि उसे भी एक बिजनेस कार्ड चाहिए। वो डियोक्वा से फिर पूछता है कि क्या तुम लैंडलॉर्ड हो, जिस पर डियोक्वा हाँ बोलता है और वो बताता है कि उसके नाम पर कुछ बिल्डिंग्स है। दरअसल दोस्तों ग्रीम रीपर ने सनी के मुंह से ये सुन लिया था कि डियोक्वा उसका लैंडलॉर्ड है, इसलिए ये सारी बातें ग्रीम रीपर डियोक्वा से पूछ रहा था। इसके बाद ग्रीम रीपर छुप छुप कर सनी का पीछा करने लगता है और वो देखता है कि एक आदमी सनी को परेशान करते रहता है। ग्रीम रीपर उस आदमी को दूर फेंक देता है जिससे सनी बहुत ही डर जाती है और वो फौरन वहां से भाग जाती है। इधर गॉब्लिन और युनटक मूवी देख रहे होते हैं और ये मूवी और कोई नहीं बल्कि ट्रेंट बुशान रहती है। मूवी में जॉम्बीज को देखकर गॉब्लिन बहुत ही डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसके वजह से वहाँ बैठे सारे लोग परेशान हो जाते हैं और युनटक किसी तरह से गॉब्लिन को चुप करवाती है। इसके बाद दोनों एक शॉप में बैठे होते हैं और तभी युनटक गॉब्लिन से कहती है कि तुमने कितने आसानी से डियोक्वा को उसका क्रेडिट कार्ड और ग्रीम रीपर को घर दे दिया था। क्या वो उनके गुड बाय गिफ्ट्स थे? क्या तुमने सच में जाने की प्लानिंग कर ली है जब मैं तुम्हारी तलवार को निकाल दूंगी? गॉब्लिन कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि ब्राइड के मिलने पर मुझे एक लंबे सफर पर जाने की तैयारी करनी होगी। युनटक पूछते कि क्या वो सच में जाना चाहता है, जिस पर गॉब्लिन कहता है कि उसे जाने का मन तो नहीं है लेकिन एक बार ब्राइड उसके सामने आ जाती है तब फैसला करना उसके हाथ में नहीं होगा। गॉब्लिन पूछता है कि क्या उसे वो जाने देगी? युनटक कहती है कि बिल्कुल भी नहीं और इसलिए जब उसे जाना होगा तो वो उसे बिना बताए ही चला जाए। अब अगली सुबह हम युनटक को कॉलेज में देखते हैं और गॉब्लिन उसे लेने आता है। युनटक जा ही रही होती है कि तभी एक बॉल तेजी से आकर उसे लगने वाली थी, लेकिन तभी एक लड़का उस बॉल को सही समय पर पकड़ लेता है। वो युनटक से पूछता है कि क्या वो ठीक है। युनटक हैरान होकर कहती है कि टेही, क्या ये तुम हो? टेही कहता है कि वो तो उसे पहचान ही नहीं पाया। वो युनटक को कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो गई हो और फिर उसके बालों को सहलाने लगता है। ये सारी चीजें गॉब्लिन दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है और वो गुस्से से कहता है, तो ये वही लड़का है जो फ्यूचर में युनटक के साथ था। गॉब्लिन बिना युनटक को लिए घर वापस लौट जाता है। इधर युनटक रात में घर वापस आती है और वो टेही को याद करके ब्लस करने लगती है। इसके बाद युनटक फ्रिज से अपना केक निकालती है, लेकिन जैसे ही वो केक को खाने वाली रहती है तभी गॉब्लिन उससे वो केक ले लेता है और उसे दिखा दिखा कर खाने लगता है। युनटक कहती है कि उसकी भला क्या गलती है, उसने तो सारी चीजें ट्राई करके देख ली, उसने किस करके देखा, उसने आई लव यू भी कहा, अगर फिर भी वो तलवार उसके सीने से नहीं निकाल पाई तो भला उसकी क्या गलती है। ऐसे ही बात करते करते दोनों में झगड़ा हो जाता है और युनटक गॉब्लिन को कहती है कि उसका बिहेवियर बहुत ही खराब है। गॉब्लिन भी कहता है कि उसका बिहेवियर कौन बड़ा अच्छा है, जिस पर युनटक कहती है कि वो तो छोटी है। गॉब्लिन कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है और ऐसे भी वो तो हमेशा इसी तरह जवान और खूबसूरत रहेगा। युनटक कहते कि आज वो अपने पहले प्यार से मिली और इसलिए उसे गॉब्लिन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद युनटक वहां से चली जाती है। अब अगली सुबह गॉब्लिन टेही के पास जाता है। गॉब्लिन टेही को नहीं पहचान पाता है, लेकिन टेही गॉब्लिन को देखकर कहता है कि हम लोग शायद पहले भी मिल चुके हैं। गॉब्लिन कहता है कि वो उसे पहली बार मिल रहा है, लेकिन टेही कहता है कि आपने मुझे पहले भी देखा है जब मैं बहुत छोटा था। हमने बेट लगाया था कि जो बेसबॉल के गेम में जीतेगा उसे जीतने वाले की विश पूरी करनी पड़ेगी और मैंने विश मांगा था कि मेरे घर की पियानो गायब हो जाए क्योंकि मेरी माँ मुझे पियानो सिखाना चाहती थी, लेकिन मुझे बास्केटबॉल प्लेयर बनना था। अब क्योंकि मैंने वो बेट जीत लिया था उस दिन वो पियानो सच में गायब हो गई थी। मुझे नहीं लगता कि वो इंसान तुम थे, लेकिन अगर वो तुम हो तो तुम्हारी उम्र बिल्कुल नहीं बढ़ रही है।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम गॉब्लिन और ग्रीम रीपर को देखते हैं। गॉब्लिन ग्रीम रीपर को टेही की याददाश्त मिटाने के लिए कहता है, लेकिन ग्रीम रीपर मना कर देता है। अब इसके वजह से गॉब्लिन गुस्से में आकर ग्रीम रीपर का खाना जला देता है। इधर टेही युनटक को कॉल करके उसे मिलने को बुलाता है और गॉब्लिन युनटक और टेही को एक साथ देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। गॉब्लिन को कहीं न कहीं ये लगने लगता है कि टेही वो लड़का है जिसके साथ युनटक फ्यूचर में उस रेस्टोरेंट में गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रीम रीपर को सनी का कॉल आने लगता है और ग्रीम रीपर घबराते हुए गॉब्लिन को कहता है कि उसके पास बिजनेस कार्ड नहीं है, इसलिए वो सनी से बात नहीं कर सकता है और वो गॉब्लिन को कॉल रिसीव करने के लिए कहता है, लेकिन गॉब्लिन साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद ग्रीम रीपर युनटक के पास पहुंच जाता है जहां वो टेही के साथ होती है। टेही ग्रीम रीपर को देखकर युनटक से पूछता है कि क्या ये तुम्हारे डैड हैं? यह सुनकर ग्रीम रीपर को गुस्सा आ जाता है और वो युनटक को कहता है कि अगर युनटक सनी से बात नहीं करेगी तो वो टेही के आंखों में देखकर उसका नाम नोट कर लेगा। फिर युनटक सनी का कॉल रिसीव करती है जहां सनी युनटक को ग्रीम रीपर के ऑफिस का एम्प्लॉय समझ लेती है और वो ग्रीम रीपर को अगले दिन 1 बजे मिलने को बुलाती है। ग्रीम रीपर युनटक से पूछता है कि कल उसे सनी क्या क्या पूछ सकती है, जिस पर युनटक उसे बहुत सारी चीजें बताती है। अब अगले दिन ग्रीम रीपर सनी से मिलने जाता है। दोनों खूब सारी बातें करते हैं और ग्रीम रीपर की बातें सुनकर सनी बहुत ही खुश हो जाती है। इसके बाद दोनों रास्ते से जा ही रहे होते हैं कि तभी ग्रीम रीपर कहता है कि उसे कंपनी गेट टुगेदर के लिए जाना होगा। इधर जब ग्रीम रीपर रास्ते से जाते रहता है तभी एक आदमी उसे टकरा जाता है और वो उल्टा ग्रीम रीपर को ही कहता है कि क्या वो देखकर नहीं चल सकता। इसके बाद ग्रीम रीपर पार्टी में पहुंचता है और जैसे ही वो पे करने के लिए अपना वॉलेट ढूंढता है उस वक्त उसे समझ आता है कि जो आदमी उसे टकराया था वो दरअसल एक चोर था जिसने उसकी वॉलेट चोरी कर ली। इधर जब ये बात बाकी के ग्रीम रीपर्स को पता चलती है तब सारे अपने हैट पहनकर वहां से गायब हो जाते हैं और उनमें से एक ग्रीम रीपर की हैट भी ले जाता है जिसकी वजह से बेचारा ग्रीम रीपर फंस जाता है और बार का ओनर उसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में कर देता है। अब ग्रीम रीपर मदद के लिए गॉब्लिन को कॉल करके बुलाता है। पुलिस ऑफिसर गॉब्लिन से पूछता है कि क्या वो ग्रीम रीपर को जानता है, लेकिन गॉब्लिन ग्रीम रीपर को पहचानने से साफ साफ मना कर देता है। ग्रीम रीपर गॉब्लिन से रिक्वेस्ट करता है कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो बदले में ग्रीम रीपर भी उसकी मदद करेगा और वो टेही की याददाश्त मिटा देगा। यह सुनकर गॉब्लिन फौरन ही उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और वो पुलिस ऑफिसर को अपना बिजनेस कार्ड देता है। इधर ग्रीम रीपर ये देखकर हैरान हो जाता है कि गॉब्लिन के पास भी बिजनेस कार्ड है। अब पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही वहाँ पर डियोकुआ जाता है। ग्रीम रीपर डियोकुआ से पूछता कि क्या उसे पता था कि गॉब्लिन के पास भी बिजनेस कार्ड है, जिस पर डियोकुआ हाँ में जवाब देता है और बताता कि गॉब्लिन तो कंपनी के ओनर में से एक है। ग्रीम रीपर ये सुनकर वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। इधर जब गॉब्लिन घर पहुँचता है तो वो देखता कि युनटक अभी तक घर वापस नहीं आई है। वो युनटक को कॉल भी करने की कोशिश करता है लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। इसके बाद गॉब्लिन युनटक को खुद ही ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ता है। गॉब्लिन के जाने के बाद वहाँ पर डियोकुआ आता है जिसके हाथ में वही चीज होती है जो कि गॉब्लिन ने जाते वक्त ग्रैंडपा को दिया था और अब ग्रैंडपा ने वापस डियोकुआ को वही चीज गॉब्लिन को लौटाने के लिए कहा है। अब क्योंकि गॉब्लिन वहाँ पर नहीं होता है डियोकुआ और ग्रीम रीपर उस चीज को खोलकर देखने लगते हैं जो कि गॉब्लिन की बहन की तस्वीर थी। ग्रीम रीपर तस्वीर को देख ही रहा था कि अचानक से उसके आंखों में आंसू आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और गॉब्लिन को युनटक एक मैरिज फंक्शन में मिलती है जहां वो गाना गा रही थी। युनटक बताती है कि शादियों में गाना गाने के लिए उसे अच्छे पैसे मिल जाते हैं, इसलिए वो अब ये जॉब भी कर रही है। वो कहती है कि उसका बहुत मन था कि जब उसकी शादी हो तब उसके लिए कैंडल्स जलाए जाएं, लेकिन उसका तो कोई परिवार था ही नहीं। यही वजह थी कि युनटक गॉब्लिन से शादी करना चाहती थी ताकि उसे एक फैमिली मिल जाता। युनटक के आंखों में आंसू आ जाता है और वो गॉब्लिन को सॉरी बोलते हुए कहती है कि वो उस तलवार को नहीं निकाल पाई। गॉब्लिन ये देखकर युनटक को हक कर लेता है, लेकिन तभी अचानक से गॉब्लिन के सीने में दर्द होने लगता है। इधर युनटक को गॉब्लिन की तलवार साफ साफ दिखने लगती है और इस बार वो उसकी तलवार को पकड़ भी लेती है। वो धीरे धीरे करके तलवार को बाहर निकालने लगती है, लेकिन गॉब्लिन को बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो युनटक को पीछे की तरफ धक्का दे देता है। युनटक सीधा एक ट्रक से टकराने वाली रहती है, लेकिन गॉब्लिन सही समय पर आकर उसे बचा लेता है। गॉब्लिन को समझ आ चुका था कि फाइनली अब वो इस शराब से आजाद हो सकता है, लेकिन अब तक तो उसे युनटक से प्यार हो चुका था और वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। एपिसोड 7 इसी के साथ खत्म हो जाता है।